अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हम पोएम कैटरपिलर करेंगे आज। और उससे पोएम का जो उर्दू ट्रांसलेशन है उससे करने से पहले हम जो अंडरलाइंग वर्ड्स हैं उनके मानी देख लेते हैं और उसके बाद हम इसका उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे। और ये क्रिस्टीना रोजेटी इसकी पोएट है जिसने ये पोएम लिखी है। व्हाट इज़ अ कैटरपिलर? The larva of a butterfly or moth which has a segmented worm-like body with three pairs of true legs and several pairs of appendages similar to legs. Caterpillar जो है वो एक larva होता है, या तो butterfly का, तितली का, या और इस तरह के जो पतंगे होते हैं उसकी body के मुख्तलिफ segment या हिस्से होते हैं, जैसे एक वर्म कीड़े के होते हैं और उसके थ्री पेयर्स छेट उसकी लेग्स होती हैं और सेवरल अपेंडिजेस सिमिलर टू लेग्स, और लेग्स की तरह की और भी जिस्म पे हिस्से होते हैं, उसको कैटरपिलर कहते हैं। ब्राउन और फरी, ब्राउन कलर है उसका जैसे आप देख रहे हैं, और फरी, फरी है कवर्ड विद फर, जैसे इसके बारीक बारीक इसकी ये फर निकली होती है, इसको फरी कहते हैं, कवर्ड विद फर। फिर हरी, हरी कहते हैं जल्दी में, मूव और एक्ट विद ग्रेट हेस्ट, बहुत तेज़ी से तेज़ तेज़ चलना, तो ये सेगमेंटेड बॉडी होती है तो ये तेज़ तेज़ चलता है। शेडी लीफ कहते हैं प्रोटेक्टेड फ्रॉम द ग्लेयर एंड हीट ऑफ द सन इज शेडी, साए में होना, धूप और गर्मी से बचने के लिए ये दरख्तों के पत्तों के ऊपर ट्रैवल करता है, और ये जैसे शेडी लीफ। और स्टाक, स्टाक कहते हैं तने को, द मेन स्टेम ऑफ अ हर्बेशियस प्लांट, हर्बेशियस प्लांट का जो मेन स्टेम होता है उसको स्टाक कहते हैं, तने को, ये इसका स्टॉक है। टोड, ये टोड है, अ टेललेस एम्फीबियन, एम्फीबियन कहते हैं जो जिनको आधी ज़मीन पे भी रहते हैं और पानी में भी, और ये इसकी दुम नहीं होती, इसकी स्टाउट बॉडी होती है, छोटी इसकी टांगें होती हैं, और इसकी स्किन जो होती है ड्राई और वाटी, आप देख रहे हैं जैसे चितकबरी होती है, और इसके अंदर जो है वो इसकी स्किन के अंदर से पॉइजन भी निकलता है, ये टोड कहलाता है। चोजन स्पॉट हैविंग बीन सेलेक्टेड एज द बेस्ट स्पॉट, उसका पसंदीदा जो जगह है वो शेडी लीव्स होते हैं कैटरपिलर के। स्पाई, स्पाई कहते हैं टू ऑब्जर्व साइलेंटली, जासूसी करने वाले को, तो टोड जो होता है वो कैटरपिलर की खामोशी से जासूसी कर रहा होता है। हूवरिंग, एक ही जगह पे फड़फड़ाना, रिमेन इन वन प्लेस इन द एयर, जैसे कुछ परिंदे जो होते हैं वो एक ही जगह पे खड़े होके अपने जो विंग्स हिलाते हैं और उसी जगह पे खड़े रहते हैं, उसको हूवरिंग कहते हैं। स्पिन, तेज़ तेज़ घूमना, टर्न अराउंड क्विकली। और डाई, स्टॉप लिविंग, जैसे आप देखें कि ये खामोशी से इसको ऑब्जर्व कर रहा है, जब उसके बिल्कुल करीब आ जाता है तो ये मुँह खोल के इसको खा जाएगा, तो इसके पेट में चला जाएगा कैटरपिलर, स्टॉप लिविंग। अब हम इसका तर्जुमा करते हैं, ब्राउन एंड फरी, भूरा और फर वाला कैटरपिलर इन अ हरी, कैटरपिलर जो है वो बहुत तेज़ी में है। टेक योर वॉक, अपनी चहलकदमी कर रहा है, टू द शेडी लीफ और स्टॉक, साए वाले पत्ते पे या तने पे, और व्हाट नॉट, और किस पे नहीं, विच मे बी द चोजन स्पॉट, ये कि उसका ये पसंदीदा जगह है। नो टोड्स बाय यू, तुम्हें कोई टोड जो है वो तुम्हारी जासूसी नहीं कर रहा। होवरिंग बर्ड ऑफ प्रे पास बाय, होवरिंग बर्ड जो परिंदा एक जगह पे खड़ा फड़फड़ा रहा है वो तुम्हारे पास से गुजर जाता है। यू स्पिन एंड डाई, और तुम स्पिन करते हो और तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। माई डियर स्टूडेंट, सक्सेसफुल पीपल आर नॉट गिफ्टेड, सक्सेसफुल जो कामयाब लोग होते हैं वो कोई बहुत ज़्यादा उनको अता नहीं होती, दे जस्ट वर्क हार्ड, वो सिर्फ मेहनत करते हैं, देन सक्सीड ऑन पर्पज़, और उनकी ज़िंदगी का एक मकसद होता है जिसमें वो कामयाब होते हैं। तो अपनी ज़िंदगी का भी मकसद बनाएं, मेहनत करें
और यू विल बी सक्सेसफुल। उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।